हेलो, हेलो, नमस्कार सर। सर, नमस्कार। मैं आम आदमी कार्यालय विधानसभा मसूरी से बात कर रही हूँ। कहाँ से? सर, आम आदमी कार्यालय विधानसभा मसूरी से बात कर रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। आम आदमी पार्टी की साइड से सर आपको सूचित किया जाता है, 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है और सर आपको आपसे अनुरोध करती है हमारी पार्टी के, सर एक मौके की जरूरत है सर हमारी पार्टी को, तो जब मैडम आप वोटिंग करने जाएं। मैडम जी सर, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप जी मेरा नाम जो है ना इस ब्लैक लिस्ट से हटा, इसमें ब्लैक लिस्ट कर दें। मैं धुर विरोधी हूँ आम आदमी पार्टी का। अच्छा, सर आपकी कोई मैं एक बार के लिए एक कुत्ते को दे दूंगा, पर मैं आम आदमी पार्टी को कभी वोट नहीं डालूंगा जीवन में। ऐसा क्यों कह रहे हैं मैडम, आप? इससे दोगला आदमी, इससे गंदा आदमी मैंने नहीं देखा। इससे सर गंदा आप आदमी शाम बाला मैंने जी को मैंने जानते इसके हैं? सारे वीडियोस देखे हैं, अरविंद केजरीवाल के। इतना नीच कमीना बेगैरत आदमी जो अपने बच्चों की कसम तक झूठी खा देना, वो बेचारा क्या, वो तो बहुत, मतलब आप लोग इस पार्टी से जुड़े हो, मैं कह रहा आप लोगों को स्वाभिमान नहीं है, इसका मतलब आप लोगों के लिए। आप कांग्रेस को दे दो, एक बार के लिए बहुजन समाज पार्टी को दे दो, मत दो बीजेपी को। मैं तो कह रहा मत दो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को मत दो, आप हाँ कांग्रेस को जी, दे दो। पर मैडम, आप लोग अपने देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करोगे अगर आप ऐसी पार्टी का समर्थन करोगे। अगर किसी को बीजेपी से नफरत है, मैं कह रहा मत दो बीजेपी को, कांग्रेस को दे दो। ऐसी तो विचारधारा कांग्रेस की भी नहीं जैसी इस नीच आदमी की। बहुत बेईमान चीतर आदमी है ये, मैं आपको बताऊं। मैं लेकिन तो जैसे अपने हम मैडम देख रहे हैं सर, केजरीवाल मैडम ने तो वाकई में कार्य कर रही है दिल्ली मैडम में, आपने कुछ नहीं कितना पदक कार्य करे, चिन्हित। ठेके खोलने को मैडम कार्य नहीं कहते। ठेके खोलने को, सर एम्प्लॉयमेंट भी फ्री तो दे में रही है। बांटने को कार्य नहीं कहते। एक हमारे घरवाली में कहावत है कि घर में मिल जाए खाने को तो घंटा जाए जी कमाने को। ये जो फ्री की आदत डाल रहा है ना लोगों को, लोग निकम्मे हो जाएंगे निकम्मे, जब किसी का बिजली का बिल, पानी का बिल नहीं आएगा। ये गलत आदत है, देश कैसे चलेगा? अभी कोविड के टाइम पे इसने क्या कर दिया, वहां पे हाथ खड़े कर दिए कि जी हमें ये सहूलियत नहीं मिल रही। अबे जब तेरे पे पैसे ही नहीं है तब तू फ्री कर देगा महिलाओं को, पुरुषों को? अगर तुझे फ्री करना है तो आर्थिक आधार पे फ्री करना कि जो गरीब है उसका। एक बिलो पॉवर्टी लाइन की एक अपना एक कमेटी बना के लोगों को सिलेक्ट कर दीजिए, गरीब आदमी इसको मिलेगी। ये थोड़ी अमीर गरीब सबको, मतलब एक जज की वाइफ भी बस में फ्री जाएगी और एक मजदूर की वाइफ भी। इसको मैडम कुछ नहीं आता, इसको सिर्फ फ्री का पप्पू देना आता है। ये निकम्मा आदमी है, ये लोगों को जो है अपंग बना रहा है, अपंग। अच्छा सर, देखिए आप जिसको भी वोट करेंगे ना सर, जरूर मैडम मतदान के लिए इतना जरूर गंदा कोई नहीं होगा, जाएगा। इतना देखो। हम मैं आपको सिर्फ बताऊं, मैं तो पिछले 2014 से दिल्ली की केंद्र सरकार से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरे पापा और हम जो है कांग्रेस के सपोर्टर थे, बहुत जबरदस्त इतने सपोर्टर थे कांग्रेस के। लेकिन 2014 के बाद हमें पता चला कि प्रधानमंत्री के काम क्या क्या होते हैं। और रही बात स्टेट लेवल की, तो भैया मेरी उम्र 45 साल की है और मैंने कम से जी कम, यकीन मानो, 25 बार तो वोट डाला ही है 5-5 साल के कार्यकाल में, ठीक है ना? जी 10 बार सर, तो वोट डाल ही चुका हूँ मैं। लेकिन हाँ मैं जी आपको सर, बताऊं, कोई सरकार से मेरा आज तक इस तरीके का वादा पाला नहीं पड़ा। और केजरीवाल ने जो काम करे हैं ना, आप दिल्ली वाले से पूछो, मेरी आधी फैमिली दिल्ली रहती है, वो थूकते थूकना पसंद करते हैं, इसके मुंह पे थूकना पसंद करते हैं। इसको दे रहे हैं वोट, लेकिन वो दे रहे हैं जो फ्री चाहते हैं, फ्री, कि हमें फ्री मिल जाए। और फ्री मैडम आदमी को भीख मिलती है, भीख। आप सड़क पे भीख मांगोगे तो आपको फ्री में मिलेगी, और लेकिन अगर आप घर में रहोगे जी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये लोगों को भिखारी बना रहे हैं, ठीक है ना? आप, मैं आपसे बताऊं, आपको मैं आज कह रहा हूँ मैडम, मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है। मैं कह रहा, चलो मैं मान जी सकता हूँ लोगों को बीजेपी से, अगर वैसे तो कोई नाराजगी नहीं है, पूरी लहर मोदी जी की है। सर, केजरीवाल के नाम पे तो मैं आपको बताऊं कुछ नहीं होने वाला, बल्कि मैं तो नफरत करता हूँ केजरीवाल से, नफरत जिसे कहते हैं ना। मैं राहुल गांधी से नफरत नहीं करता, ममता बनर्जी से नफरत नहीं करता, अखिलेश यादव से नफरत नहीं करता, मैं किसी से नफरत नहीं करता। एक मन में आपके नफरत होती है अंदर ना, इतना नफरत। गुस्सा आम आदमी पार्टी को लेके इतना सारा? मैडम मैं नफरत करता हूँ, मैं आपको से बताऊँ इतनी नफरत है। लेकिन आपको मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ कि आप गलत जगह जुड़ रहे हो, देश के लिए आप खतरा पैदा हो जाओगे, आपको कोई बदल नहीं पाएगा, आप छोटा, ये मतलबी आदमी है, मैं आपको बता दूँ बस। बाकी सर आपकी कोई नहीं, मर्जी, आप फिर भी मैं आपको बता पॉटिंग रहा जो हूँ कि आपने आप इस आज ही छोड़ दो। अगर आपको अपने देश से जरा सा भी प्यार है, जरा सा भी अपने देश से प्यार है ना, देश से, मत, मैं नहीं कह रहा आप बीजेपी के समर्थन बनो, कांग्रेस के बनो, आई थिंक आप अबाउट देखो इट। हमारे हमारे लिए, हम सर्व के लिए सबसे सर्वोपरि देश है। और इस जी आदमी ने उरी अटैक के ना सबूत मांगे थे कि सबूत लाओ,
सबूत, ठीक है? तो ऐसा क्या है कि आपको अपने पैदा होने का सबूत मांगना पड़ेगा अपने बाप से कि पापा सबूत दो कि मैं आप ही का बेटा हूँ? ये तो अपने बाप से सबूत ना मांग ले तो जो मर्जी कह दो, मैं आपको सिर्फ मांगा भी होगा इसने अपनी जवानी के दिनों में। ये तो इतने सारे सबूत तो हर एक सरकार मांगती है सर, जब से सबूत किसी ने नहीं मांगे सर। इसके अलावा और जो इसे सबूत दे देता है ना, उसको ये कहता है कि आप तो फड़ा पार्टी से जुड़े हो। मैं आपको आप अपना व्हाट्सएप नंबर भेजो, मैं बताऊं जो जो अभी अभी मैंने आपको दो वीडियो भेजता हूँ, मैं आपको दो वीडियो भेजता हूँ। इसने खुलेआम बोला कि जो जो आरोप लगाए, और जब इस पे वो आरोपों को सत्यापात हुआ तो इसने कोर्ट में कचहरी में माफी मांगी है। आरोप लगाना बड़ा, मैं आप पे आरोप लगा दूं कि आपने मेरे 50 लाख रुपए देने, आपने आपकी छवि तो 2 मिनट में धूमिल हो जाएगी ना, लेकिन जब साबित करने का टाइम आएगा, झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए, झूठे आरोप। इसने कोर्ट में 2 बार लिखित में, 1 बार अरुण जेटली जी से और 1 बार अमित शाह से, 2 बार लिखित में माफी मांगी है कोर्ट के अंदर। ऐसे नहीं होता ना कि आप झूठे आरोप लगा दो और कहते हो पब्लिक पर सबूत है और कोर्ट के अंदर कहते हो कि मुझसे गलती हो गई। मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ, आप ठीक है, आप समझा रहे हैं, आप बड़े हैं, बिल्कुल समझा। मैं आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दो, अगर आपका व्हाट्सएप नंबर है मैं तो आपको इसके वीडियो भेजूंगा कितना चालाक आदमी है, ठीक है सर? वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? सबके पॉइंट ऑफ व्यू सबके साथ है सर, आप जिसको बोल रहे हैं। मेरा काम तो लोगों को ये भी बताना है कि देश के लिए कौन खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए, बहुत बड़ा खतरा, पाकिस्तान से बड़ा खतरा है ये देश के लिए। आपके समय के लिए धन्यवाद सर। ठीक है, आपका शुभ नाम? सर कायनात। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा खतरा है, तभी आप इस पार्टी से जुड़े हुए। थैंक यू सो मच सर।